तो गाइज आज हम जरा से काम करने वाले, मतलब कि भाई आज हम अलग टास्क कंप्लीट करने वाले। भाई मैं सच्ची बताऊँ ना, आज मुझे अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड लाना था, लेकिन मैंने वोल्केनो ब्लॉक कराया। भाई इसकी एक ही वजह है कि भाई आपको सभी को पता होगा माइनक्राफ्ट का नया अपडेट आया है जो कि 1.17, और उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन भाई वो अपडेट करने के लिए भाई अभी मैंने अपडेट लगवाया है, इसलिए भाई मैंने आज भाई वोल्केनो ब्लॉक का क्या बोलते हैं पार्ट लाने का सोचा। और भाई सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैंने ऑफलाइन किया तो भाई सबसे पहले आपने ट्री को मैंने भाई छुआ तक नहीं है, वैसे छुआ है मतलब पत्तियाँ काटी है बस, लेकिन भाई लकड़ियाँ तोड़ी तक नहीं है। और बस स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर टॉर्चेस लगा दी ले। और भाई हमारा कबलस्टोन का जनरेटर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ऐसे ऊपर ऊपर था ना तो मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, अब एकदम एकदम आसान सा लग रहा है। और इस लावा को भी मैं ढक दूंगा भाई, बहुत बार मारा हूँ यहाँ पर। तो भाई ये रही एक नई चेस्ट जो कि स्टोन की है। भाई हम कबल स्टोन की जैसे चेस्ट बनाते हैं ना, वैसे भी मैंने स्टोन की बनाई। अभी नीचे का व्यू दिखाता हूँ पहले बात को। तो भाई ये देखो भाई एकदम खाली खाली लग रहा है अभी। तो भाई मैंने सारी चेस्ट यहाँ पर रख दी। और भाई सबसे मेन बात ये देख रहे हो पैथ, ये पैथ भाई बहुत आसानी से बनता है, आपको बस कबल स्टोन को ऐसा रखना है। देख रहे हो तीन पैथ मिलते हैं इससे। तो भाई देखते हैं भाई पहले टास्क। और भाई अभी तक हम यहाँ पर आए थे तो भाई आज अब हम बनाने वाले हैं मर्लिनिया सीड। ओके भाई ये बनाने वाले हैं। और ओके तो भी बहुत ही आसान है, बस रेड डाई येलो डाई ओके डेंट ओके येलो डाई है और आर्टिशिया सीड चाहिए। तो भाई सबसे पहले येलो डाई बना लेते हैं, चार येलो डाई चाहिए। तो भाई सबसे पहले रेड डाई, एक दो तीन चार, उसके बाद येलो डाई ओके, उसके बाद ओके तो भाई आ गई ओके। और फिर ये लगा देनी है। और भाई शुरुआत में देख रहे हो कितनी बड़ी है, लेकिन मुझे अभी टॉर्चेस लगा लेनी पड़ेगी अभी, ठीक है। तो भाई अभी वेट करते हैं, वैसे मेरे पास बोन मील के लिए कुछ जुगाड़ ओके है तो सही, तो भाई बोन मील मार के देखते हैं। अरे भाई देख रहे हो आप जितने मैं बोन मील मार रहा हूँ, और रे भाई देख रहे भैया। तो भाई आपने देखा जितना मैं बोन मील मारता हूँ ना उतना ही छोटा छोटा होता है, देख रहे हो अब फुल ग्रोन है फिर भी छोटा है हमारा। हमें कितने चाहिए थे ओके, हमें 5 एक्सपी लेवल मिले हैं। और भाई अभी हमें क्या यार ये हॉर ग्लास ऑफ ये सीड कुछ बनाना है, ये जो कि चार बनाना है भाई ओके। तो हमें प्लेन ग्लास चाहिए, स्टोन चाहिए, और उसके लिए और क्या चाहिए भाई, और ये टाइम जस्ट। तो भाई कुछ इस तरीके से ओके। तो भाई चार हो गए, और अभी चार लीवर भी बनाने और भाई, और मेरे पास दो ही लकड़ियाँ है बस, पता नहीं कितने बनते हैं एक से। और कबल स्टोन कुछ बचे के पता नहीं यार, अरे यार सारे के सारे कथाएँ से लीवर बनेंगे पता नहीं, अरे यार दो ही बनेंगे। तो भी हो गया अभी टास्क कंप्लीट, हमें भाई ये और दो मिल गए भाई, इसका क्या यूज़ है पता नहीं ओके, लेकिन पता नहीं इसका क्या यूज़ है। तो भाई सबसे पहले आप टास्क बुक में देख रहे हो आगे आयरन है, मतलब और भी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हमें आयरन मिलने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमें कबल स्टोन ऑफ क्रिसमस पास्ट, अरे भाई क्रिसमस थोड़ी ना है आज, तो भी क्रिसमस तो भी ये 10 बनाने पड़ेंगे, वैसे 10 नहीं पता नहीं कितने और ख़राब कर देते, अरे भाई ओके। भाई फिलहाल हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर ही बना देते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे एक खड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे ये तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो भी हमें सबसे पहले ना एक कबल स्टोन रखना है, उस कबल स्टोन के बाद और एक कबल स्टोन, उस और एक कबल स्टोन, तो भी ऐसे रखना है। उसके बाद जो हमें मिला था ना होर ग्लास पता नहीं क्या चीज़ है तो ये रखनी है, और एक लीवर, और लीवर को भी हम ऑन कर सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई फिलहाल तो ना करें तो अच्छा है, नहीं तो भाई पहले हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते सारा। तो भाई आपको ऐसा सारा का सारा कर देना है, इस तरीके से तैयार कर देना है। और भाई ये 3 ब्लॉक की इसकी रेंज होती है, सॉरी 6 ब्लॉक की होती है, लेकिन फिलहाल तो हम 3 ब्लॉक की कर रहे हैं, वैसे हमारे पास भाई जितना हो सके उतना करते हैं। और भी अभी क्या बोलते यहाँ पर भी ऐसा ऐसा कर देना है, और इसी से हमें अभी डायमंड क्या बोलते आयरन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं ना सारी इसी से मिलने वाली है। तो भाई इस तरीके से, और भी अभी इस लीवर को हम ऑन कर सकते हैं क्योंकि भी अभी हमें ये बंद करना है ना। तो भाई लीवर ऑन हो गया, और भी यहाँ से अभी फिर से कबल स्टोन ओके। तो भी हमें मैंने जैसा कि मैंने सारा बंद कर दिया है, और उसके ऊपर और एक ले ना 6 ब्लॉक की रेंज है शायद से इसकी। और भी अभी साइड से कर, अरे भाई मुझे लगी यार। तो भाई फिलहाल तो मैंने रैंडमली कुछ भी स्ट्रक्चर तैयार किया है इसका, इसको अभी बहुत वेट करना पड़ेगा, मतलब बहुत क्योंकि भाई इसी से हमें आयरन डायमंड सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो भाई वो जब वो हो रहा है तो भी बाकी के टास्क कर लेते हैं। और अभी हमें बनाने पाइप्स जो कि 8 पाइप्स बनाने हैं, और इसके लिए हमें स्टोन और वुड प्लैंक्स लगेंगे ओके। तो भाई सबसे पहले हम वुड तोड़ते हैं भाई, मुझे कब से तोड़ना था, लेकिन भाई शुभ मुहूर्त अभी करता हूँ।
ओके मिल रहा है। और भाई जो ये डर्ट है ना, ये फर्टिलाइज हो चुकी है, मतलब कि भाई अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लगाऊंगा ना वो इतनी जल्दी उगेगी, मतलब आप पूछ नहीं सकते। तो भाई मैंने सारा पेड़ तोड़ दिया और पत्ती अचानक से एकदम बंद हो गई, लेकिन भाई मुझे सैपलिंग नहीं मिली यार। अभी मैं फिर से पेड़ कैसे उगाऊंगा भाई? मैं फिर से पेड़ उगाने के लिए हमें फिर से वो स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। लेकिन भाई फिलहाल ना हम इस वुड से वुड प्लैंक निकाल लेते हैं। अरे वुड प्लैंक्स नहीं निकलती ऐसे। अरे भाई तो फिर कैसे निकलती यार इसमें? A few moments later. तो भाई ये देख रहे हो भाई कैसे चीजें यहाँ पर। तो भी हमें प्लैंक चाहिए और भी प्लैंक प्लान वुड प्लैम प्लैंक्स। अरे भाई ऐसे अच्छा हमें हीट सॉमिल में रखना पड़ेगा, इसको हीट सॉमिल में रखना है। ओके तो भाई देख रहे हो कुछ हो रहा है। ओके अरे भाई एक से सिक्स मिल रही है और ऊपर से भी सौ डस्ट भी मिल रही है। तो भाई एक से चार मिलती है जनरली, लेकिन एक से सिक्स मिल गई। और भाई ये बढ़िया चीज बात रखनी है ये। ओके तो भी चार आ गए, हमें चाहिए आठ, तो भी आठ कर देते हैं फटाक से। हमारे पास भी अभी भर भर के चीजें हैं। लेकिन भाई तो भाई खेले खेले ना भी बहुत टाइम हो गया, तो भी अभी और अभी देखते भी वो हुआ कि नहीं जो कि हमारा कबलस्टोन। अरे हाँ देख रहा आपने यहाँ पर नाम आ रहा है एनसाइड कबलस्टोन। तो भाई इसका टेक्सचर आपको जरा समझ में नहीं आया? तो भाई सबसे पहले टास्क हमें देखते हैं और हमें और आठ पाइप मिल गए भाई। ओके ये बढ़िया चीज है। तो भाई अभी धीरे धीरे चीजें खुलती जा रही है। तो गाइस सबसे पहले देखते भी आगे क्या करना है। तो भी फिलहाल तो हम हैमर बना लेते हैं जो कि ये लॉग मैलो क्या भैया। ओके तो ये बना लेते हैं। अरे भाई आसान है वैसे। अरे भाई देख रहे हो क्या क्या चीज है भाई। ओके तो भाई सबसे पहले बना लेते हैं और प्लैंक से बनते होंगे तो मेरे पास प्लैंक्स। ओके कैसा था यार? अरे नहीं बनता ऐसा। तो भाई अगर आपको सैपलिंग मिल जाती तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन भाई मेरी सैपलिंग गुम हो गई, इसके लिए मैं फिर से बना लेता हूँ ये, क्योंकि भाई अभी लॉक की जरूरत है मेरे पास नहीं है। और सबसे पहले ना यहाँ पर अभी नहीं यहाँ पर लगा देता हूँ तो भी अच्छा रहेगा। अरे भाई तोड़ना नहीं है। तो भाई फिर से अभी ओके तो भाई फिर से आ गया। और अभी देख रहे हो कबलस्टोन भी डर्ट बन गए। इन बात भाई हमें लकड़ियाँ किससे मिलती पता है आपको? ये प्लैंक से ना इसको फिर से हम अगर पकाएंगे ना तो आपको लकड़ियाँ मिलेगी। तो अरे भाई लकड़ियाँ। ओके भाई तो यहाँ से भी लकड़ियाँ भी आ गई। और मुझे एक ना ये भी ऊपर क्राफ्टिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा, बार बार भी नीचे जाना पड़ता है। ओके तो भी हैमर कैसा था? ऐसा ऐसा। और उस हैमर को हम अपग्रेड भी करेंगे बाद में। तो भी लॉग मैलेट आ गया। सबसे पहले ये एंसेंट कबलस्टोन निकाल लेते हैं। और मेरे पास कबलस्टोन है नहीं है। तो भाई पता नहीं भाई सबसे पहले इस अजीब सी चीज से क्या होता है। और भाई और हम ये तोड़ लेते पहले, बाकी कबलस्टोन फिर से लगा देने, क्योंकि भाई जितने आप ये इनकी क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई इससे हमें मिली है एक कबलस्टोन बर्स्ट सीड जो कि मुझे टास्क कंप्लीट करने से मिली। तो भी यहाँ पर उगा देते हैं। और मेरी हुई कहाँ गई? तो भाई हुई मारेंगे। और अरे भाई क्या हुआ ये? अरे ये क्या चीज है भाई? राइट क्लिक ऑन वैनिला क्राफ्टिंग टेबल विथ मैलेट। तो भाई हमें ना क्या बोलते हैं इससे क्राफ्टिंग टेबल पे ऐसे मारना होगा। तो भाई सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल देखते हैं यहाँ पर। तो भाई अभी इस पे ना ये हैमर मारना है। अरे भाई हो गया। तो भाई देखा आपने मैंने राइट क्लिक किया और भी जरा सा लैग हुआ लेकिन भाई हो गया। इसमें कुछ चीज डालनी पड़ती है। अच्छा ओके भाई आ गया सब कुछ, मतलब यहाँ से रिपेयर वगैरह जो चाहिए वो। अरे भाई तो भाई कुछ अलग चीज लग रही है। और तो भी हमें पहले ये बनाने हैं जो कि मिलेंगे एनसाइंट। तो भी इसको हमें जलाना है। वो मैं से सारे फेंक दूंगा अभी। ओके तो भी आ गई चीजें सारी। ओके तो भी ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। और देखते क्या मिला। चारकोल मिले। ओके चारकोल की जरूरत है हमें। तो भी अभी आयन चाहिए। और आयन भाई अभी मैं ये है ना जो जॉड वो इसमें डालूंगा। और भी ब्रेक ओपन। तो भी आपके इन्वेंटरी में ना हैमर मतलब ये जो लॉग मैलेट है ना ये चाहिए ही चाहिए भाई, कुछ भी करो ये चाहिए। तो अभी इसमें डालूंगा ना। अरे तो भाई देख रहे हो यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं एरर आ रहा है। दिस एक्शन रिक्वायर अ टायर टू हैमर, यू हैव टायर वन अवेलेबल। तो भाई सबसे पहले मतलब हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा हैमर अभी वुड मैलेट। ओके तो लेकिन भाई ये कहाँ डालूं मैं वुड, ये कहाँ डालूं मैं? ओके भाई ये कहाँ जाएगा यार मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ अभी। तो भाई हमें ये रिपेयर, अच्छा रिपेयर करना है। ओके रिपेयर करने के लिए यहाँ पर वुड लॉग ऐसे वुड ओक वुड डालनी पड़ेगी और क्राफ्ट। अच्छा तो भाई इस तरीके से हमें करना है। ओके तो भाई रिपेयर ही करते हैं।
इतने रिपेयर क्यों करेंगे भाई? तो भाई जब ये इसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म होगी ना, तब ये रिपेयर करने के लिए। फिलहाल तो हमें ये वुडन मैलेट पे जाना है, उसके बाद इंचेंट क्या बोलते ये आया ना, तो भी पिकैक्स क्लॉ हुई तो भी सबके लिए अलग अलग चीज़ें, लेकिन हमारा है हैमर। और भाई इसका लेवल अपग्रेड करने के लिए हमें दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो भाई ये यूज़ कर देते। ओके नहीं भैया और करनी है, लेवल वन ही देख रहे हो यहाँ पर, लेवल वन ही है, तो भी हमें स्टोन अभी रखना पड़ेगा शायद से भाई क्राफ्ट। अरे भाई लेवल वन ही यार, तो भी लेवल टू कैसे होगी इसकी? तो भाई आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, देख रहे हो इसका ऊपर का हेड स्टोन का हो गया और नीचे का क्या बोलते हैं क्या बोल लकड़ी का रहेगा। तो भाई हमें अभी इस वुडन मैलेट में ना हैमर हेड की यहाँ ये लगाना पड़ेगा। तो भाई अभी देख रहे हो लेवल टू हो रहा है। अरे भाई अच्छा तो अभी लेवल टू का हो गया, तो भी हमें यही चाहिए था जो कि लेवल टू का। तो भाई ये लेवल टू का स्टोन हैमर है और भी अभी ये चीज होगी। तो भी हमें अभी ब्रेक ओपन करना है इसको। तो भी देख रहे हो चीजें आ रही है, देख रहे हो लैप पीस। अरे भाई तो भी देख रहे हो आपने कितनी चीजें आ गई, कितनी ने भी आयन तो आया ही नहीं यार, लेकिन मैं लैप पीस आ गया। और ये क्या चीज है, कॉपर नगेट, एल्यूमिनियम नगेट, रेड स्टोन भी आ गया और फ्लिंट भी आ गया। तो भी देखा आपने भी, और इसको भी यहाँ नहीं रख दूंगा इन स्पेशल चीजों नहीं। तो भाई इसको फिर से यहाँ रख देंगे। और तो भी देख रहे हो चीजें, अरे आयन आ रहे आयन आ रहे, लेकिन भाई ओके। तो भी अभी इसको ना, अरे यार क्राफ्टिंग टेबल नहीं। तो भाई ये रही क्राफ्टिंग स्टेशन। और भाई ये जो आयन नगेट देख रहे हो भाई, अभी इनसे भाई आयन बना लेने हैं। और एक ही इनगट आई भाई, इतनी चीज करके मतलब एक ही इनगट आई। ओके अभी देखते भाई टास्क, हमें 8 चारकोल मिल गए। तो भाई आज का तो हमारा हो गया भाई, हमने भाई इतना अच्छा काम किया है आज, जो कि भी हमने ऐसा मतलब बनाया जो कि जिससे हमें आयरन डायमंड अभी बहुत चीज़ें मिलने वाली है। तो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।